Hello everyone, this is Avidaj and you are watching our YouTube channel, that is XSIITJNE. So in the last lecture, as we are doing ITF, inverse trigonometric function, हमने ITF के बारे में देखा था, what are its graphs, उसके graph क्या है और कुछ हमने properties पढ़ा था. We are dealing with some properties regarding ITF. Okay. Now as we start, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आप 11th class में formulas पढ़ते हो, identities पढ़ते हो, वो आप याद करें. ठीक है, सो लेट अस रिकॉल दोस फॉर्मूलाज. ठीक है, क्योंकि आगे जो हम प्रोसीड करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड टोटली ऑन दोस फॉर्मूला. ओके, दोस आइडेंटिटीज. सो एज वी स्टार्ट द लेक्चर, टुडेस लेक्चर, लेट मी रिकॉल दोस थिंग्स व्हाट वी हैड स्टडीड इन क्लास 11th इन ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक है, व्हाट वर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट वर एडेड इन क्लास 11, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो दैट cos² थीटा + sin² थीटा = 1, 1 plus tan² थीटा = sec² थीटा एंड 1 plus cot² थीटा = cosec² थीटा. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैड स्टडीड इन क्लास 11, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, कि हमने क्लास 11 में जो आइडेंटिटीज पढ़ा था, फॉर एग्जांपल व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट cos जो होता है दैट इज नॉन वेजिटेरियन माइनस को या फिर चिकन को खाता है, सो वी ऑलरेडी नो that is sine of minus x is minus sine x, क्योंकि ये sine कैसे है बेटा, vegetarian minus को बाहर बाहर देता है. cos of minus x since it is non vegetarian and the negative sign x is in chicken, जो खाया जाता है तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, that will be cos x and when you use tan of minus x we get minus tan x, क्योंकि ये भी क्या कर देता है बाहर भेज देता है. yes or no, ये तीन तो last class में हमने देखा था, but the most important जो अभी चल रहा है, ठीक है, important identity is that was sine x plus y. ठीक है, sin x plus y या फिर हम लोग पढ़ेंगे sin x minus y या फिर cos x plus y and cos x minus y. और जब हम लोगों ने ये पढ़ा था last year में, तो भी हमने ये चीज बताया था कि यहाँ पे sin और cos में जो sin होता है, sin कैसी होती है, घर में एक अच्छी बहू होती है, बुरी बहू होती है. अच्छी बहू क्या करती है, पूरे फैमिली को बाइंड करके लेके चलती है, अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, सबको बाइंड करके लेके चलती है. ठीक है, लेकिन बुरी बहू क्या करती है कि वो बुरे लोगों को अपने तरफ खींच लेती है कि हम लोग सबका बुरा करेंगे. ठीक है, अच्छे लोगों को एक तरफ कर देते हैं, राइट. अच्छा, दूसरी चीज, अच्छी बहू हमेशा क्या करेगी, जो अच्छा रहेगा, जो अच्छे लोग रहेंगे उनके साथ अच्छा करेगी, और जो विलन्स हैं घर के उनके साथ बुरा करेंगे. तभी आप कोई भी टीवी सीरियल दिया है, टीवी सीरियल देखते हो डेली सोप्स, उसमें भी क्या होता है कि अच्छी बहू होती है, बुरी बहू होती है. अच्छी बहू क्या करती है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करती है, लेकिन जो विलन्स हैं उनके साथ बुरा करती है ना, तभी तो उनको भगाती है. बेसिकली अच्छा ही करती है, लेकिन करती क्या है, उसके बुरा करती है, तभी वो कैसे निकल जाते हैं, राइट. तो यहाँ भी वही है कि साइन जो है जैसे को तैसा है. ठीक है, अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे लोगों के लिए बुरा है. बट कॉस क्या है, उल्टा, बुरे लोगों के लिए अच्छा अच्छा करेगी, जैसे ना बुरे लोग कुछ काम करते उसमें उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उसको विरोध करेगी, उसके अपोजिशन में जाएगी, राइट. तो यहाँ पर वही चीज है, हमारे पास साइन है, हमारे पास कॉस है. साइन है कैसी बहू है, साइन इज अ गुड बहू, साइन इज अ गुड डॉटर इन लॉ, इसलिए वो पूरे फैमिली को बाइंड करके चलेगी. तो जब कभी भी आपके पास साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स माइनस वाई है, तो ये क्या करेगी, साइन एक्स कॉस वाई cos x sin y, मतलब ये क्या करेगी सबको बाइंड करके रखेगी, एक साथ लेके चलेगी, sin x cos y तो cos x sin y. सिमिलरली sin x y minus y में भी क्या होगा, sin x cos y cos x sin y. बट as we move, जैसे हम आगे बढ़ते cos में, cos क्या करेगा, अच्छे लोगों को अलग, बुरे लोगों को अलग, अपनी टीम बनाएगी. दैट मींस यहां पे क्या होगा, cos x cos y, इसने घर का बंटवारा करा दिया, बुरे लोग को एक तरफ, अच्छे लोग को एक तरफ, that means sin x sin y, and so in the cos x minus y, that is cos x cos y and sin x sin y. okay, इतना चीज पहले आपको समझना है. ठीक है, cos कैसी है, एक बुरी बहू है, वो सबको अलग अलग करके रखेगी, तो cos x cos y को एक तरफ, sin x sin y को एक तरफ, जबकि sin is a good बहू, good daughter in law, सबको बाइंड करके चलेगी, sin x cos y cos x sin y. अब अभी हम लोगों ने देखा था कि साइन क्या करती है, साइन अच्छे लोगों के साथ, साइन इज अ गुड बहू, अच्छे लोगों के साथ अच्छा, बुरे लोगों के साथ बुरा, मतलब यदि वो हम पे साइन प्लस है तो यहाँ पे भी आपके पास प्लस का साइन आएगा, यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, लेकिन कॉस अच्छे लोगों के साथ बुरा कर देगी, मतलब यदि यहाँ पे प्लस है तो यू हैव टू यूज माइनस हो जाएगा, और बुरे लोगों के साथ अच्छा कर देगा, मींस यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा. ठीक है, हेंस व्हाट वी कैन से दैट इफ वी हैव sin x plus y है तो क्या होगा, sin है, पहली बात तो ये समझो कि sin है, sin का मतलब सबको बाइंड करके ले चलेगी, तो sin x cos y cos x sin y, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, cos x plus y. ठीक है, cos x plus y, cos कैसे, बुद्धि बहु cos वाला अलग रखेगी, sin वाला अलग रखेगी, that means cos x cos y हो जाएगा sin x sin y, यदि cos x plus y है then you have to use plus, यदि cos x minus y then you have to use minus. okay, and next the same things can be seen
माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई के लिए। सो टेन एक्स प्लस वाई के लिए कितना होगा बेटा बोलो, दैट इज टेन एक्स प्लस टेन वाई होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, राइट। यही था, आप क्या करते हो पहले दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, वन माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यदि यहाँ पे माइनस है, यदि यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो साइन विल गेट चेंज, जो माइनस था वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टेन एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला। सिमिलरली कॉट एक्स प्लस माइनस वाई का, सबसे पहले हम कॉट एक्स प्लस वाई का देखते हैं। देखिए आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा मूव करना है, बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा मूव करना है। और यदि मेरे पास फॉर्मूला है, यदि मुझे फॉर्मूला निकालना है टेन एक्स प्लस वाई, यदि मुझे पता है देन आई कैन फाइंड कॉट एक्स प्लस वाई। इसको जस्ट आपको क्या करना है, उल्टे तरफ से थिंक करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है टेन वाई, तो आप क्या लिखोगे बेटा कॉट वाई, फिर क्या है कॉट एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय उल्टा जो है यहाँ पे कितना रहेगा बोलिए cot y plus cot x। समझ में आया? अब यदि यहाँ पे माइनस था तो मैंने क्या बोला था, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस को माइनस से चेंज कर दो, माइनस को प्लस से इंटरचेंज कर दो, यस नो। सिमिलरली जब यहाँ पे भी माइनस होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यदि प्लस की जगह माइनस लेना है तो साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह क्या आएगा प्लस और प्लस की जगह क्या आएगा माइनस। दिस ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11। ओके नाउ अब देखते हैं, ये तो एक सेट है फॉर्मूले का। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा था डबल एंगल्स, डबल एंगल्स मल्टीपल एंगल्स या सब एंगल्स भी देखा था हम लोग ने, मतलब कौन सा फॉर्मूला है बेटा, sin 2x का, यस और नो। sin 2x का फॉर्मूला क्या था बोलिए, दैट इज 2 sin x cos x, मतलब यहां पे जितना भी एंगल होगा यहां पे उसका हाफ होगा, राइट। मतलब यदि आपके पास sin 4x है तो sin 4x को क्या लिखोगे बेटा, 2 sin 2x cos 2x। sin 6x है तो उसको क्या लिखोगे, 2 sin 3x cos 3x। sin 10x है तो उसको क्या लिखोगे, 2 sin 5x cos 5x। यहां पे जितना भी एंगल है यहां पे उसको आधा लेना है। यदि यहाँ पे साइन x है तो x का आधा कितना होगा, x by 2, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2 sin x by 2 cos x by 2, ओके। एंड इसका एक और फॉर्मूला भी हमने देखा था, दैट वाज 2 tan x upon 1 plus tan square x। अगेन याद रखें यहाँ पे जितना भी एंगल है यहाँ पे उसका हाफ है, ओके। तो ये था sin 2x का। सिमिलरली यू कैन गो फॉर cos 2x, और cos 2x का फॉर्मूला क्या था बेटा, cos square x minus sin square x, यस और नो। मैं sin square x को लिख सकता हूँ 1 minus cos square x का फॉर्मूला, तो यहां से मेरे पास यदि मुझे cos के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिख सकता हूं, 2 cos square x minus 1, और यदि मेरे को सिर्फ आंसर sin के टर्म्स में चाहिए तो cos square x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 minus sin square x, एक minus sin square x यहां पे भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square x, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan के टर्म्स में, दैट इज 1 minus tan square x होल डिवाइडेड बाय 1 plus tan square x, यस और नो। एंड cos square x sin cos लेकिन साइन का फॉर्मूला लिखोगे टेन के टर्म्स में तो प्लस आएगा, खुद खुद में माइनस हो रहा है, टेन खुद खुद में माइनस हो रहा है, मतलब टेन के फॉर्मूला में जब टेन का टेन टू एक्स का फॉर्मूला निकाल रहे टर्म्स ऑफ टेन, तो यू हैव टू यूज माइनस साइन इन द डिनोमिनेटर, जब आप साइन का फॉर्मूला निकाल रहे टर्म्स ऑफ टेन, देन यू हैव टू यूज प्लस इन द डिनोमिनेटर। और यहां पे भी प्लस है, इसके भी नीचे में प्लस है। अभी देखिए यदि मैं साइन टेन टू एक्स निकालना हूं, साइन टू एक्स बाय कॉस टू एक्स कर सकते हैं, दैट मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा और डबल एंगल्स हो गए, ट्रिपल एंगल्स भी देख लेते हैं, व्हाट फॉर्मूला वी नो फॉर अ ट्रिपल एंगल, दैट इसको थोड़ी देर बाद अभी देखो, लेट्स से साइन 3x, तो यू नो साइन 3x है, तो साइन जब 3x होगा तो याद रखना क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद 3 sin x minus 4 cos 4 sin cube x, ठीक है। और इफ वी हैव cos 3x तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 cos cube x minus 3 cos x, और tan 3x का फॉर्मूला क्या है बोलिए, दैट इज 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x, ओके। सो दीस आर द फॉर्मूलास जो हम लोग आज क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनके यूज करने वाले हम क्लास में, कैसे करेंगे देखिए। सो दीस आर द आइडेंटिटीज इन द ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आइडेंटिटीज है बेटा, आप कहां पे यूज कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। नाउ दीस अब इन्हीं आइडेंटिटीज से हम कुछ नए फॉर्मूलास डिराइव करेंगे इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन किस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट आइडेंटिटी, that is tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse of
x plus y upon 1 minus xy, ठीक है? अब देखिए, एक तो मैं बताऊंगा बट आगे से जो अगले टू से आपको खुद आ जाने चाहिए, ठीक है? तो इसको ध्यान से देख लो, अगले टू से आपको खुद ध्यान हो जाएंगे, खुद पता हो जाएगा कि आपको करना क्या है, यू नो दिस एक्टिविटीज। ओके, सो व्हाट वी हैव, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, that we have to, ओके? अब इसे हमें प्रूव करने के लिए एक चीज मेरे दिमाग में ये है, मैंने आपको उसमें भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि यदि tan inverse x बोल रहा है, sin inverse x बोल रहा है, cos inverse x बोल रहा है, तो बेसिकली ये क्या होता है बेटा, एक एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। मतलब जो tan inverse x है वो भी आपका कोई एक एंगल है, और जो tan inverse y है वो भी आपका कोई ना कोई एक एंगल है, है ना? अच्छा, और एंगल हम कभी भी ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या अब ये मुझे बताओ, tan inverse में इधर ले जा सकता हूँ, can you take this tan inverse over here, can you take this tan inverse over here, तो मुझे क्या मिलेगा, जब tan inverse इधर से इधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, that is tan alpha plus beta, let's say, क्यों, क्योंकि ये एक एंगल है, तो let's say मैंने tan inverse x को alpha बोल दिया और tan inverse y को beta बोल दिया, so what I get, I will be getting tan alpha plus beta, हाँ, I will be getting, यदि मैं tan inverse को इधर लेके जाऊँ, तो ये तो एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये एक एंगल है, tan inverse x का एंगल, tan inverse y का एंगल, और जब मैं इस tan inverse को इधर लेके जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan of alpha plus beta, है ना, क्या मिलेगा, tan of alpha plus beta, so यहाँ से मुझे एक लॉजिक लगाना है कि मुझे किसका फॉर्मूला यूज करना है, व्हाट फॉर्मूला आई हैव टू यूज, दैट इज फॉर tan alpha plus beta का फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गई बात, फिर से समझिए, as we start, before we start, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि प्रूफ कैसे होगा, tan inverse x is an angle, tan inverse y is an angle, और एंगल दो एंगल का समय मतलब एंगल सम वाला फॉर्मूला लगेगा, एंगल सम वाला फॉर्मूला लगेगा, और tan inverse को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan of, यदि मैं इसको एक एंगल बोल दूं, इसको एक एंगल बोल दूं, ठीक है? So let tan inverse x is equal to alpha and tan inverse y is equal to beta, since these two are angle, alpha beta kya hai beta, angles, since these two are angle, now ab to ek aur cheez maine aapko bataya tha last class mein ki jab kabhi bhi aap suppose karte ho let karte ho kisi inverse ko as an angle, agla step kya hota hai, tan ko le jana, to yadi hum yahan se x ko kya likh sakte hain beta, x ka angle jo hai tan alpha and y ka angle jo hai tan beta, x ko kya likh sakte ho tan alpha, y ko kya likh sakte ho tan beta likh sakte ho, hai na, yes or no? अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट वी नो, यदि मुझे एक चीज पता चल गई ना कि मुझे फॉर्मूला लगाना है tan alpha plus beta, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, tan इनवर्स इधर जाएगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, tan alpha plus beta का, व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज, दैट इज tan alpha plus beta एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट इज tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta, राइट? alpha plus beta हम यहां पे ले जा सकते हैं, tan को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां पे tan जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, tan इनवर्स, राइट? अब देखिए, tan alpha है कितना, that is x, tan beta है कितना, that is y, whole divided by 1 minus tan alpha, that is x, and tan beta का मतलब क्या हो गया यहां से, y हो गया, in fact alpha plus beta का actual values भी लिख सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, tan inverse x, alpha का value क्या, tan inverse x, beta का value क्या, tan inverse y, and that is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and this completes the proof, मतलब basically ये सब identities कहां से proof हो रहे हैं, इन्हीं identities से proof हो रहे हैं भाई, है ना, these identities are being proved by these identities, बस आपको याद रखना है कि कौन सा identity वहां पे लगेगा, ठीक है? वो कौन बताएगा, question बताएगा, this is an angle, this is an angle, tan को इधर लेके जाओगे मतलब tan of alpha plus beta का आपको formula लगा, I derive for tan of alpha plus beta, can you derive for tan inverse of alpha minus tan inverse of x minus tan inverse of y, तो ये वहां पे हमारे पास कौन सा formula लगेगा बेटा, tan inverse of alpha minus beta का लगेगा, तो यहां पे minus आ गया, यहां पे plus आ गया, राइट? मतलब if you have to write the formula for tan inverse x minus tan inverse y, so what I will be getting is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. In fact, आप इस चीज को याद रखो कि यदि मैंने tan x है, tan x है, ठीक है? वहां पे आपको क्या यूज करना है, only x y 1 x n into 1, और tan को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, tan inverse बन जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि tan हटा, यहां से हटा दो, tan हटा दोगे तो x बचेगा, यहां पे y बचेगा, यहां पे 1 minus x into y बचेगा, और tan को इधर भेजो तो tan inverse, समझ में आ गया? चलिए, so this is the proof for tan inverse x plus tan inverse y. Now can you go for another proof, that is sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse of कितना होगा, ठीक है? This is the question. ये question है कि आपको बताना है कि sin inverse of x plus sin inverse y, यदि आप sin inverse में convert करोगे तो कितना होगा, ठीक है? Again, this is an angle, this is again an angle. ये भी एक angle है, ये भी एक angle है, और जब आप sin inverse को इधर लेके जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, sin of alpha plus beta, मतलब कौन सा formula आएगा,
लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया अल्फा, एंड साइन इनवर्स वाई को मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया बीटा। जैसे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जैसे हम अच्छा दूसरी चीज, इफ यू आर राइटिंग दिस तो पहले ये बताइए, जब कभी भी हम सपोज करते हैं मैं अगला स्टेप क्या होता है बेटा, कि साइन को दे लेते जाओ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन अल्फा और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन बीटा। जैसे हम अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि साइन अल्फा साइन बीटा की जगह तो वैल्यू लिख दूंगा मैं, बट वॉट अबाउट कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। तो यदि एक चीज हमें पता है कि cos थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हां है ना, टेंथ से पढ़ के आ रहे हैं, तो यदि आपको cos अल्फा निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड cos अल्फा, तो ये कितना होगा बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, एंड sin अल्फा है कितना 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और sin अल्फा है कितना sin अल्फा इज x, तो कहने लगे 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हो। एंड सिमिलरली cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 minus sin square beta and that will be sin beta कितना, sin beta is square, that is 1 minus y square, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, if you put all the values over this, तो मुझे क्या मिलेगा, that is alpha plus beta is equals to sin inverse of sin alpha की वैल्यू कितनी है x, cos beta की वैल्यू कितनी है under root 1 minus y square, बीच में sin plus, cos alpha की वैल्यू कितनी है under root 1 minus x square, और sin beta की वैल्यू कितनी है y, ठीक है। तो y को हम पहले लिख देते हैं, रूट में आप ना लो से लिख सकते हैं, एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज अल्फा का वैल्यू है, हेंस वी गेट दैट sin इनवर्स ऑफ x plus sin इनवर्स ऑफ y is equals to sin इनवर्स x अंडर रूट 1 minus y square plus y अंडर रूट 1 minus x square, एंड दिस कंप्लीट्स द minus x square into under root 1 minus y square, okay, so hence
दिस कंप्लीट्स सब कुछ. तो बेसिकली हमें अभी तीन फॉर्मूले पता चल गया है, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y कितना होता है, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x / y² + y / x². यदि आप माइनस बोलोगे sin इनवर्स ऑफ x - sin इनवर्स y, तो फॉर्मूले में भी हम माइनस की जगह माइनस कर देंगे. cos इनवर्स ऑफ x + cos इनवर्स ऑफ y कितना होगा, दैट इज cos इनवर्स ऑफ xy, सिंस क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस बोलेंगे, xy - sin x² - y². यदि क्वेश्चन में माइनस है तो हम sin क्या कर देंगे, प्लस. ओके, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y कितना होगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x plus y upon under root of minus x square. यदि क्वेश्चन में माइनस होता है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस. ठीक है, चलो. सो क्वेश्चंस का सिलसिला यूं ही बरकरार रखते हैं. लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस. सो हमने यूजिंग दीज आइडेंटिटीज उसी तरीके से आप cot inverse x plus cot inverse y भी निकाल सकते हो. ठीक है, सो आपको सारे आइडेंटिटीज प्रूफ करने भी आना चाहिए, या तो होने चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रूफ भी आना चाहिए. और प्रूफ में नहीं किया, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला कौन सा लगेगा कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन से. ठीक है, जस्ट वी हैव टू टेक कि एंगल क्या है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है. ओके, चलिए तो और कुछ क्वेश्चन करते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin inverse x, 3 cos inverse x एंड 3 ऑफ tan inverse x. ओके, ये वैल्यूज. So, as we start these questions, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, sin inverse x क्या है बेटा, एक एंगल है और 3 मल्टीप्लाई करने का मतलब एंगल ट्रिपल एंगल. तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए क्योंकि ट्रिपल एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ट्रिपल एंगल यूज हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन टेक sin inverse x का, 3 sin inverse x का मुझे आंसर चाहिए इन द टर्म्स ऑफ sin inverse में आप कितना लिख सकते हो, 3 sin inverse का आपको आंसर चाहिए इन द टर्म्स ऑफ sin inverse कितना लिख सकते हो, 3 cos inverse x का आंसर चाहिए इन द टर्म्स ऑफ cos inverse कितना लिख सकते हो, और 3 tan inverse का आंसर चाहिए इन द tan inverse आप कितना लिख सकते हैं. ओके, सो आई विल डू वन क्वेश्चन, देन यू कैन पॉज द वीडियो, आप अपना वीडियो को पॉज कर सकते हो, बाकी दो क्वेश्चंस आप खुद से लिखोगे बिकॉज यू नो द आइडेंटिटीज. ठीक है, उसके बाद जब मैं करूंगा सब, देन यू कैन चेक whether you are correct or not, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, सो हियर वी हैव 3 sin inverse x, हम इसको sin inverse में कर रहे हैं. सो लेट sin inverse x, sin inverse alpha जो है, या इसको x बोलते हैं, sin inverse x को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, क्योंकि यहां पे एक ही एंगल है, तो y मान सकते हो या फिर alpha बेटा, this as for your convenience you can take. So here I have sin inverse x is equal to y, and if I am asked about this sin 3x, तो sin 3x का फॉर्मूला होता है बेटा 3 sin x minus 4 sin cube x, right? 3 sin x minus 4 sin cube x. और जैसे ही आप सपोज करते हो, मोमेंट यू सपोज, उसके बाद ये आपका फर्स्ट बनता है कि x की वैल्यू को कितना लिखना, दैट इज sin ऑफ y, x की वैल्यू को कितना लिखना, sin ऑफ y है ना, x की वैल्यू को कितना लिखना है, sin ऑफ y. सो इफ sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x - 4 sin cube x, यू कैन टेक आल्सो इन द टर्म्स ऑफ y, y के टर्म्स में, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो y के टर्म्स में होता है ना, वहां पे भी याद करो जब हम फार्मूला लेते हैं तो जस्ट सपोज किया अल्फा बीटा के टर्म्स के लिए, यहां पे भी हमने सपोज किया y, तो फार्मूला किसके टर्म्स में होना चाहिए, y के टर्म्स में. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट, 3 वाई लिख सकते हैं यहां पे, और इस साइन को देखो तो क्या होगा बेटा, sin इनवर्स ऑफ 3 sin y - 4 sin cube y, दैट मींस 3 y की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3 sin y की वैल्यू कितनी है, x - 4 x cube. ठीक है, तो sin 3 sin इनवर्स x कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 3 x - 4 x cube. बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जस्ट can we write the formula for 3 cos inverse x, that is cos inverse of 4x cube minus 3x y. basically aapko ye dekho, you have to see this cos x ko kya banana hai, jo bhi term hai usko x, cos ko idhar dekhoge to ye cos inverse ho jayega, aur cos x ki jagah aapko x use karna hai, to ye kitna ho jayega 4x cube minus 3x, similarly tan 3x, to jab 3x ko yahan pe chhodoge tan ko bhi bhejoge to ye ho jayega tan inverse, aur tan x ki jagah aapko kya lena hai, x lena hai, to tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. ठीक है, we can go for the proof also, इसका proof भी देख लेते हैं. मैं फिर से बता देता हूँ कि 3 of tan inverse x का formula आना कितना चाहिए, identity आनी कितनी चाहिए, that is tan inverse, हर एक tan x को किससे replace करना है, x से, तो 3x minus x cube कितना हो जाएगा बोलिए, that is 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. है ना, चलिए let us check this, cos का देखते हैं, तो 3 cos inverse x, जिनको भी question समझ में आ रहा है पढ़ सकते हो खुद से, video pause करिए, खुद से solve करिए, then you can play the video और देख सकते हो, match कर सकते हो.
कॉस एक्स को आपने लेट किया है, कॉस एक्स को आपने लेट किया है,
स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सो नेक्स्ट जो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x यहां से भी आपके पास आंसर सेम आएगा। चलिए ठीक है एंड नेक्स्ट वी हैव फॉर द tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x पे यदि मैं वैल्यू लेट कर लूं तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 10 है और फार्मूला इनको किसका यूज करना है 10 2y का। 10 2y का फार्मूला कितना होगा बोलिए दैट इज 2 10y अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर y। दिस फार्मूला दैट वी आर यूजिंग 10 2y में 2y को देखो 10 को उधर भेज दो तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 इनवर्स और 2 tan y का मतलब हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हेंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर व्हिच कंप्लीट्स द अनदर प्रूफ। दिस है में दूसरा एक और प्रूफ मिलता है ठीक है। तो दीज आर आइडेंटिटीज। आई होप कि आपको सारे आइडेंटिटीज का प्रूफ समझ में आया होगा कि कैसे हम आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे, कौन सा फार्मूला लगा के कौन सा आइडेंटिटी फ्रॉम क्लास 11 लगा के क्लास 12 के प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बिकॉज ये सिर्फ एक आइडेंटिटीज नहीं बल्कि बहुत सारे आइडेंटिटीज को अपने आप में समेटे हुए है ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट गुड क्वेश्चन। जस्ट हैव अ लुक। The question is 2 tan inverse x. The question is 2 tan inverse x is equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square is equals to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square and that is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. So this we have already proved right now. ये 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square हम already proved है। The problem is that we have to prove in this manner, okay? अब मुझे ध्यान से बात बताइए, यदि आप यहाँ पे tan y ले रहे हो, if you are taking tan x as y, यदि आपने tan x tan inverse x को y ले लिया है, then x की value कितनी हो जाएगी बेटा tan y, x की value कितनी हो जाएगी tan y, that means 2 tan y upon 1 plus tan square y, इतना समझ में आया नहीं पहले बताइए, यदि यहाँ पे sin inverse आपको मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है तो tan inverse x को मैं y लेट कर लूंगा। व्हाट आई डू आई टेक tan inverse x as y, tan inverse x को मैंने y लेट किया दैट मींस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा tan y हो जाएगी। यहां पे एक लूप देखो दैट इज 2 tan y upon 1 plus tan square y है ना, 2 tan y upon 1 plus tan square y और यदि आपको 2 tan y upon 1 plus tan square y मिल जाए मतलब वो किसका फॉर्मूला है sin inverse। सो जो अंदर लिखा है ये किसका फॉर्मूला है पता है sin का फॉर्मूला है तो sin से ये sin inverse कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही बात। सिमिलरली x को यदि आपने 10 y लिया तो 1 minus 10 square y, 1 plus 10 square y, 1 minus 10 square y divided by 1 plus 10 square y, इसका फॉर्मूला होता है बेटा cos 2y का फॉर्मूला होता है। यहां से फिर से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा 2y मिलेगा, समझ में आ रही बात। चलिए सो यदि यहां पे इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा sin 2x का ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा और इसको प्रूव करने के लिए मुझे cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा राइट। सो इफ tan inverse x equals to y and x equals to tan y यदि इसका मैं फर्स्ट प्रूफ देखूं तो हमें सबसे पहले ये वाला प्रूफ करना है ये वाला आइडेंटिटी यूज करके दैट मींस sin 2x कितना हो जाएगा बेटा sin 2x विल बी इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x कितना होगा बोलिए दैट इज 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x एंड इफ दिस इज द केस यदि ऐसा होता है देन व्हाट कैन बी दैट यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर सब्स्टिट्यूट देन दैट मींस 2x को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए sin inverse of 2 tan x है कितना यहां पे y के टर्म्स में आपने लेट किया तो फॉर्मूले में भी y के टर्म्स में लेना पड़ेगा पहले चीज तो ये तो 2 tan y का वैल्यू कितना है बेटा tan y का वैल्यू है x अपॉन 1 plus x square। अच्छा y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी है 2 tan inverse x is equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square जो हमें 1 equal to 2 से कर दिया जैसा ना। अच्छा इसके लिए cos inverse x के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा cos 2x is equals to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x लेकिन किसके टर्म्स में y के टर्म्स में मतलब यहां पे क्या यूज होगा बेटा that is cos 2y is equals to 1 minus tan square y whole divided by 1 plus tan square y है ना एंड cos 2y cos 2y मतलब यहां से 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए cos इनवर्स ऑफ 10y कितना है 10y x है दैट इज 1 minus x square upon 1 plus x square और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y तो बेसिकली y कुछ है नहीं y के आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x सो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू कितना आ गया cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square सो 2 tan इनवर्स x का सब में कन्वर्ट कर सकते हो एंड डायरेक्टली वी कैन राइट ओवर हियर यहां पे ये वाला फार्मूला यूज होगा एंड वी कैन कंप्लीट
तो कभी कभी ऐसे प्रूफ भी आपको पूछ लेता है, वन मार्क क्वेश्चन और टू मार्क क्वेश्चन, चलिए बेटा इसका प्रूफ करके दिखाओ, चलो इसका प्रूफ करके दिखाओ। सो फॉर दैट पर्पस यू शुड नो दिस थिंग्स, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये हमारा दिमाग थोड़ा कलेक्ट कि कैसे आइडेंटिटी से अप्लाई करने हमें क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक बार फॉर्मूले आप रिकॉल कर लीजिए खुद से कि क्या क्या फॉर्मूले आपने पढ़े हो, उनको कैसे यूज करना है वो विल सी हो रहे हो। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज टू टैन इनवर्स ऑफ 1/8, 1/3 = टैन इनवर्स ऑफ 3/4। ओके तो दैट डेफिनेटली यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करा होगा बेटा, 2 tan inverse का, और 2 tan inverse के सेट tan inverse के टर्म्स कीजिए, मतलब यहां पे कौन सा, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था कौन सा फार्मूला लगेगा, दैट इज 2 tan inverse x = tan inverse ऑफ 2x/(1 - x)² है ना। तो यहां पे ऑफ कोर्स x की वैल्यू कितनी है 1/3, x की वैल्यू कितनी है 1/3, सो 2 tan inverse ऑफ 1/3 tan inverse ऑफ 2 × 1/3/(1 - 1/9) यहां से कितना हो जाएगा बोलिए बेटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2/3, यहां पे एलसीएम लोग यहां पे डिवाइड करते हैं 9 - 1/9 आएगा, ऊपर कितना आएगा बेसिकली 8/9 आएगा, है ना 8/9 आएगा। अच्छा आपको पता है जब कभी भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन होता है तो 9 सबसे ऊपर चला जाएगा, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलिए, दैट इज 2/3 × 9/8, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, एंड आंसर कम्स आउट टू बी दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। मतलब आपको अभी के लिए जो आज हम लेक्चर करेंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जस्ट पुट द आइडेंटिटीज, आपको ये सोचना है कि कौन सा आइडेंटिटी वहां पे अप्लाई करते हैं करना है एंड किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 = π, यू हैव टू प्रूव कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या है π। पहली चीज तो ये देखिए पाई इज एन एंगल, पाई एक एंगल है आपको पता है, ये भी एक एंगल है ये भी एक एंगल, तो इसका मतलब समझना है ये दोनों एंगल का सम कितना है पाई, और यहां पर हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा ये भी आपको पता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x + tan इनवर्स ऑफ y, एंड tan इनवर्स x + tan इनवर्स y कितना होता है बेटा, फार्मूला चेक कर लो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x + y / 1 - xy। ओके सो इफ यू अप्लाई द फार्मूला फॉर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, व्हाट वी हैव इज tan इनवर्स of x plus y upon 1 minus x into y, so x की जगह 1/2, y की जगह 1/3 रखेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, that is tan inverse of 1/2 + 1/3, 1 - 1/2 × 1/3, क्योंकि नीचे 1 minus दोनों का multiplication, यहाँ से कितना आ जाएगा मुझे, that is tan inverse of LCM लोगे तो 3 × 6, और ये कितना आ जाएगा 6 - 1/6, तो पहले मैंने 6 से 6 को cancel कर दिया, ऊपर क्या बचा बेटा 5 और नीचे भी क्या बचा 5, that means tan inverse of 1, और last class में हमने देखा था कि ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 tan में कितनी एंगल की वैल्यू होती है, that is 10 pi by 4, ठीक है कितना होगा बेटा 1 कब होगा pi by 4 पे होगा, 1 कब होगा pi by 4 पे, so can I write this as a tan inverse of 10 pi by 4, लिख सकते हो tan inverse of 10 pi by 4, tan inverse से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना मिल गया, that is pi by 4, ठीक है, and which completes the समझा गया। तो बस आपको यू हैव टू यूज दोस आइडेंटिटीज जो भी हमने आज पढ़े, आप एक बार लिख लीजिए उसको अच्छी जगह पे, याद कर लीजिए उन आइडेंटिटीज को, क्योंकि वो आगे भी बहुत यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 1/5 plus tan inverse of 1/7 plus tan inverse of 1/8 = π/4, इसको ये प्रूव करना। सो व्हाट कैन वी डू, हम सबसे पहले यहां पे tan inverse of x + tan inverse y का फार्मूला लगा सकते हैं, देन यहां पे हम tan inverse x + tan inverse y का फार्मूला लगा सकते हैं, जो आएगा वो tan के टर्म्स में आएगा, फिर हम दोनों में tan का फार्मूला लगा देंगे, यस और नो, यहां से कितना होगा बेटा बोलिए, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1 - 3 × 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 1/8 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/7 × 1/8। नाउ व्हाट कैन वी डू इज दैट tan इनवर्स, यदि मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा 5 + 3/15, और यहां पे आ जाएगा 15 - 1/15, राइट 15 से 15 को पहले हटा देते हैं, यहां से प्लस tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा बेटा 8 + 7 / 18 × 7, 18 × 7 कितना होता है, दैट इज 56,
और यहाँ पे बचेगा 56 माइनस 1 बाय 56 एलसीएम लेने के बाद 56 से 56 15 से 15 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 8 बाय 14 इसका आप और कैंसिल करके 4 से कैंसिल कर सकते हैं 2 से कैंसिल कर सकते हैं दैट इज 4 बाय 7 टाइम्स में एंड प्लस 10 इनवर्स ऑफ 15 बाय 55 जिसको आप 3 बाय 11 टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकते हैं राइट। सो बेसिकली अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, 10 इनवर्स ऑफ 4 बाय 7 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 3 बाय 11 नाउ अगेन हमें फिर से आइडेंटिटी यूज करना होगा 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का एंड दैट विल बी कितना बोलिए दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 4 बाय 7 प्लस 3 बाय 11 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 बाय 7 इनटू 3 बाय 11 ओके। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज tan इनवर्स 44 प्लस 21 अपॉन 77 एंड दिस विल बी 77 माइनस 12 बाय 77 77 से 77 कट गया यहां से क्या बचेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा बोले 65 हो जाएगा एंड 77 माइनस 12 भी कितना होगा 65 हो जाएगा कैंसिल हो गया अगेन कितना आ गया 1 और tan इनवर्स 1 कब होगा 10 पाई बाय 4 पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा लेकिन काटना मत दिखाना मत जस्ट राइट इट डाउन एज पाई बाय 4 एंड व्हिच कंप्लीट्स द प्रूफ ठीक है। तो यही आपको आइडेंटिटी से बस पता होना चाहिए किस तरीके से हमें कैसा आइडेंटिटी को यूज करना है। चलिए सो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना सीधा हमें अभी तक दिख रहा है जरूरी नहीं वो हमेशा उतना ही सीधा हो ठीक है जरूरी नहीं कि वो हमेशा उतना ही सीधा हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स। अब देखिए यहां पे सबसे पहले ये देखो क्या है कि एक बार आपके पास साइन है और एक बार आपके पास कॉस है वंस यू हैव साइन एंड वंस यू हैव कॉस और आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है यू डोंट नो एनी ऑफ द फॉर्मूला This is the question. We don't know any of the formula, any of the identity, जो sin और cos दोनों को constitute करते हैं. That constitute both sin and cos. तो क्या होगा? But what we know, हमें ये चीज़ तो पता है कि हम cos को किसमें convert कर सकते हैं, sin में convert कर सकते हैं, sin को किसमें convert कर सकते हैं, cos पे. किसको कब convert करना है, किसमें depend करेगा? Answer किसके terms में बेटा? Sin के terms में. Sin के terms में answer है. मतलब definitely formula लगा होगा sin inverse x plus sin inverse y का. मतलब मुझे क्या करना है? इस cos inverse 12 by 13 को इस cos inverse 12 by 13 को किसमें convert करना है sin में convert करना है cos inverse 12 by 13 को किसमें convert करना है sin में convert करना है। so what we can do कि cos inverse 12 by 13 को यदि मैं variable दूँ यहाँ से मुझे क्या मिलेगा that is cos y is equal to 12 by 13 तो यदि मैं यहाँ से table बना दूँ just I am doing the conversion करते हैं तो यदि if this is angle y तो cos क्या represent करता है base by hypotenuse मतलब बेस आपका 12 है 13 आपका हाइपोटेन्यूस है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 और यहां से मुझे sin y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा sin y की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज 5 बाय 13 और यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी sin इनवर्स ऑफ 5 बाय 13 यस और नो। मतलब इस cos इनवर्स जो आपने y लेट किया था cos इनवर्स 12 बाय 13 उसको आप क्या लिख सकते हो sin इनवर्स ऑफ 5 बाय 13 सो कैन वी पुट द वैल्यू ओवर देयर कितना मिलेगा मुझे बोले दैट इज sin इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 प्लस sin इनवर्स ऑफ 5 बाय 13 is equal to sine inverse of 56 by 65 ये मुझे प्रूफ करना है this is the question now okay अब तो क्या होता है फॉर्मूला that is sine inverse of x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square तो sine inverse 3 by 5 under root 1 minus 5 by 13 का whole square plus है तो plus 5 by 13 under root 1 minus 3 by 5 का whole square ठीक है this is the LHS that we are going to do now यहाँ से मेरे पास कितना होगा बेटा sine inverse 3 by 5 अपनी जिंदगी में खुश है ध्यान रखना 5 का स्क्वायर 25 नीचे 169 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा दैट इज 144 बाय 169 यस और नो ध्यान से देखिए 13 का स्क्वायर 169 ये ऊपर जाएगा तो 169 माइनस 25 हो गया ना 169 माइनस 25 कितना हो गया 144 प्लस 5 बाय 13 अपनी जिंदगी में खुश है। नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर इज 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 9 अपॉन 25 25 इधर जाएगा 25 माइनस 9 दैट मींस मुझे क्या मिलेगा बेटा 16 बाय 25 यस और नो। नाउ कैन वी टेक दिस वैल्यू रूट ऑफ दिस कितना हो जाएगा बोलिए दैट इज 12 बाय 13 एंड प्लस 5 बाय 13 कितना हो जाएगा बेटा 4 बाय 5 यस और नो। तो यहां पे हम कैंसिल अभी आउट नहीं कर रहे हैं कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम लेने में इजी होगा यहां से कितना हो गया sin इनवर्स नीचे हो जाएगा 65 दोनों तरफ 12 6 का कितना होता है बेटा 36 और 5 4 का कितना होता है बेटा 20 36 प्लस 20 कितना होगा 56 सो व्हाट वी हैव sin इनवर्स ऑफ 56 प्लस 65 एंड व्हिच इज द LHS. Hence, LHS is equal to LHS. तो जो भी हमने किया वो सही है ठीक है और क्वेश्चंस
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसी चीज को जैसे साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है, तो यदि ये क्वेश्चन हो गया, यदि मान लो क्वेश्चन मतलब कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग होता, ठीक है, क्वेश्चन क्या होता कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, तो आप क्या कहते, सोचो डेफिनेटली अब हम कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या कहते हैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, और बेसिकली जो आंसर आता है 33/65। So this is the homework for you. यहाँ पर आप sin को cos में convert करोगे तो cos inverse of 4/5 आएगा। जब आप इन दोनों को solve करोगे formula से cos inverse of x plus cos inverse y, that is cos inverse of xy minus under root of minus x square under root of minus y square, तो आंसर। चलो, ठीक है? अब next question है कि if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z की value pi है, if the value of tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to pi, then prove that then prove that आपको ये prove करना है x plus y plus z is equals to x y z, okay? अभी तक जो हमने पता था बेटा that was double angle का formula, ठीक है, दो angles का sum का formula, आपको 11th class में एक और formula मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे इस question को बताना कि आपके पास एक formula होगा tan of x plus y plus z, वो उस समय हमने बताया था that is tan of x plus tan of y plus tan of z minus tan x, tan y, tan z divided by 1 minus tan x, tan y minus tan y, tan z minus tan z, tan x. Basically, उसी लॉ को फॉलो करते हैं, किस लॉ को बेटा, that is tan x plus y को, क्योंकि tan x plus y क्या होता है, tan x plus tan y होता है, upon 1 minus दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? But see, यहाँ पे since दो ही टर्म्स है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, tan x, tan y का होगा, दोनों को आपको माइनस करना है, तो अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, x और z का हो सकता है, अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, y और z का हो सकता है, और नीचे क्या कहते हैं, तीनों ऊपर में दोनों का अलग कहते हैं ना, that is tan x plus tan y, याद करने का तरीका सुनो, ऊपर में आप क्या लिखते हो, tan x plus tan y, यदि तीन हो जाएगा तो क्या लिखोगे, tan x plus tan y plus tan z, है ना, नीचे क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन करके माइनस है, तो एक बार xy को करोगे माइनस, एक बार yz को करोगे माइनस, एक बार zx को करोगे माइनस, इतना लिखने के बाद आपको ये वाला जो टर्म है ना, ये एक्स्ट्रा लगाना है, ये वाला जो टर्म है ये एक्स्ट्रा लगाना है, सो इफ वी गो फॉर दिस फार्मूला, यदि हम इस फार्मूले से जाते हैं, सो हमारे पास क्योंकि तीन एंगल्स हैं, वी हैव थ्री एंगल्स, राइट, वी हैव थ्री एंगल्स, एंड जितने भी एक्स वाई जेड है उसके जगह हमें लेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये फार्मूला हो गया, सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा, tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा, एंड tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है, और जो फॉर्मूला यूज होगा वो तीन एंगल्स के सम का फॉर्मूला होगा, दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, दैट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा, दैट इज 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा, just put the value at the answer, tan alpha plus beta plus gamma को यहीं पे रखते हैं, alpha plus beta plus gamma को यहीं रखते हैं, जब tan inverse को इधर लेके जाएंगे, tan alpha की value कितनी है, जैसे आपने suppose किया तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, x की value कितनी, tan alpha, y की value कितनी, tan beta, z की value कितनी, tan gamma, listen, और यहाँ से क्या आ जाएगा, tan alpha plus tan beta, tan alpha की value कितनी है, x plus y plus z minus x into y into z divided by 1 minus tan alpha tan beta, tan alpha tan beta मतलब x into y, y into z, z into x, okay? अच्छा एक और चीज़ बात बताइए, ये तो हमने जस्ट इसको सपोज किया है, ये इस पार्ट को लेकर, alpha plus beta plus gamma, that means tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, that means alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, question में already दे दिया भाई, question में already क्या दे दिया, pi दे दिया, मतलब इस tan alpha plus beta plus gamma के लिए आप लिख सकते हैं 10 pi, 10 pi की value कितनी होती है बेटा, 0, 10 pi की value कितनी होती है 0, मतलब 0 का मीनिंग होता है x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z x, है ना, तो ये जब 0 से ये वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, जब ये इधर जाएगा तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू x plus y plus z minus x y z, माइनस वाले टर्म को लेके जाओ, सो x y z इज इक्वल टू x plus y plus z व्हिच कंप्लीट्स द, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आपको ये सब कुछ प्रूफ करना होता है।
ठीक है. सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स इट. वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस. इन फैक्ट द थ्योरेटिकल पार्ट इज ओवर हियर नाउ. जस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. सो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. एंड यू विल बी गेटिंग एन डीपीपी फॉर दिस लेक्चर. सो सॉल्व इट एंड सेंड इट टू